नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्लास स्किन के बारे में। ये नाम आपने बहुत जगह सुन लिया होगा, ग्लास स्किन, ग्लास स्किन। और अब आपको लगेगा कि मैं आप लोगों को बहुत महंगी महंगी चीज़ें लाने के लिए बोलूँगी, आप लोगों से सामान मंगवाऊँगी, महंगे महंगे क्रीम्स लगेंगे। तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ना मैं आपसे कोई चीज़ ऐसी महंगी मंगवाने वाली हूँ, बल्कि घर की चीज़ों से ही हम ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम घर पे मिलने वाली सिंपल चीज़ों से भी ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसको करने से पहले, आपने अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा ग्लास स्किन मिलेगा कैसे। देखो दोस्तों, ग्लास स्किन की जब हम बात करते हैं तो ग्लास स्किन एक्चुअली में है क्या? मेरे हिसाब से ग्लास स्किन है जो क्लियर स्किन हो, जिस पे कोई दाग धब्बे ना हो, जिसमें एक नेचुरल शाइनिंग हो, ब्राइटनेस हो, वही एक ग्लास स्किन होती है ना? ये ग्लास स्किन जो हम अचीव करेंगे, आज हम जिस पैक के बारे में बात करने वाले हैं, ये पैक एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो हमारे दादी नानी के ज़माने से ये पैक यूज़ होता आ रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मॉडर्नाइजेशन में इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं महंगे महंगे क्रीम्स की, महंगे महंगे पैक्स की, जो जो बाज़ार में आप लोगों को मिलते हैं। बट आज जो मैं आपको पैक बताने वाली हूँ ना, लिटरली आप लगातार 10 दिन उस पैक को लगाना लगातार, और 10 दिन के बाद आप अपनी स्किन देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये बनाना कैसे है, ठीक है? चलिए, तो इस ग्लास स्किन के लिए आपको देखो ये चीज़ें चाहिए, दिख रही हैं? सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है? हमने लिया है बेसन, हमने लिया है चावल का आटा, हमने लिया है हल्दी, ठीक है? इसके साथ साथ जो चीज़ें, हम एलोवेरा जेल जल और दही, बस यही चीज़ें आपको चाहिए। 10 दिन मिनिमम, 10 दिन आप इसको लगा के देखो। अब इसको बनाना आपने कैसे है, देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, आप इसको एक बॉटल में स्टोर करके रख लो, ठीक है? जैसे बेसन, चावल, हल्दी, ये एक पाउडर मिक्सचर बना के आप अपने बाथरूम में ही इसको रख लो, ठीक है? अब जब हमको पैक बनाना है, हमने क्या करना है, इस दही में हम ये सब चीज़ों को मिला देंगे, ठीक है? तो चलिए आइए मिलाते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस पैक को बनाने की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को मिला सकते हो, ठीक है? और एक पैक बना सकते हो। इसमें कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि इतना इतना जाएगा, जैसे एक नॉर्मल पैक बनता है उस तरह से हम इसको मिला लेंगे। बस अब इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे और बस कुछ बूंदें गुलाब जल की डालेंगे। बाद बस इस पैक को आपने क्या करना है, पूरे पैक को अच्छे से लगाना है। इसको आप चाहो तो अपनी पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो, इस पैक को अगर आप चाहो तो पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, अपने हाथों पे, कहीं पे भी आप इस पैक को लगा सकते हैं, ठीक है? और इस पैक को अब आपने ऐसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, आपने कुछ नहीं करना है, इसको ड्राई होने देना है आपने इसे। 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको वॉश ऑफ कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करोगे, जब आप वॉश ऑफ कर लोगे इसको, हमेशा देखो मॉर्निंग के टाइम पे आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने सुबह के टाइम मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये दो अगर आप नहीं लगाओगे ना, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती है।
क्योंकि बिना सनस्क्रीन के आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा मेलानिन बनाएगी और ज़्यादा ब्लैकनेस आती है आपके फेस में। तो जब भी आप कुछ भी कर लो, चाहे मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करो। मैंने दोस्तों देखो अपने हाथों पे भी इस पैक को लगा लिया है, ठीक है। और बस देखो थोड़ा सा सूख जाने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा रब करके, हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम इसको धो लेंगे। तो देखा दोस्तों कितना अच्छे से स्किन क्लियर हो गई है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, आप ये देख सकते हो मेरी स्किन में ये वाली जगह और इस जगह में फ़र्क दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने सिर्फ इतने पोर्शन में पैक लगाया था और ये एक बार में किया है मैंने। यहाँ की स्किन और ये वाली स्किन में डिफरेंस देखो, क्योंकि यहाँ हाथों पे मैं जनरली पैक वगैरह नहीं लगाती हूँ। ये आप दिख रहे हैं लाइन, देखो कैसे नज़र आ रही है ना, ये देखो सिर्फ ये इस जगह में और इस जगह में फ़र्क देखो कितना फ़र्क है। तो ये डिफरेंस आएगा आपकी स्किन में। और आप 10 दिन लगातार इसको करो, 10 डेज मेरे कहने पे 10 दिन इसको करो। मैंने आपको इजी तरीका बताया है, बाथरूम में ले जाके रख दो बाकी चीज़ें, सुबह सुबह जब नहाने जा रहे हो उससे पहले बस एक कटोरी में दही, एलोवेरा और गुलाब जामुन डाल के ले जाओ, वहाँ पे इस पाउडर को डालो और फेस पे लगा के रख लो, चाहे तो पूरी बॉडी पे लगा लो चाहे तो फेस पे लगा लो, लगा के रख लो 15 मिनट, शांति से बैठ जाओ और फिर आप अपनी स्किन में डिफरेंस देखना। लिटरली जो ग्लास स्किन होती है ना, जो चेहरे के दाग धब्बे सब दूर हो जाते हैं, वो करके लगे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर किया करो, और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मेरा डेली लाइफ देखने के लिए कि कैसे मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ घर का सारा काम, तो वो देखने के लिए आप प्रिया राज लाइफ 06, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँगी प्रिया राज लाइफ 06, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करो और मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ देखो कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो फिर किसी नए पैक के साथ, नई किसी रेमेडी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना और देखते रहना गुड टू बेस्ट बाय प्रिया। टाटा।